लेक्चर 1 पॉइंट के बचे हुए जो 2 क्वेश्चन हैं उनको लेकर करेंगे, उनको समझाएंगे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m जमा 1 के रूप का होता है। हमारा प्रश्न क्या है, यूक्लिड ने जो प्रमेय दी थी, यूक्लिड ने जो एल्गोरिथम दिया था उसका इस्तेमाल करते हुए हमें क्या प्रूव करना है कि किसी पूर्णांक का वर्ग स्क्वेयर कर दें। जब भी उसका हम स्क्वेयर करेंगे तो उसका रूप कैसा होगा, 3m या 3m प्लस 1 होगा। तो आइए हम यूक्लिड प्रमेय का लेते हैं। यूक्लिड प्रमेय का के अनुसार a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहां a भी पूर्णांक है, क्यू कोशेंट है और r क्या है, रिमाइंडर मतलब शेषफल। तो ये सेटअप है जो यूक्लिड ने दिया था और इस प्रश्न के लिए हम यहां पर b की वैल्यू 3 लेंगे। तो देखें सेटअप हमारा किस तरह का बनेगा, तब यूक्लिड का जो पूर्णांक है a वो किस फॉर्म में होगा, 3q प्लस r। तो जो r है उसकी वैल्यू 0 हो सकती है और 3 के बीच के लाई करेगी, 0, 1, 2 इन तीनों के बीच में लाई करेगी और रिमाइंडर जो संभावित उसका शेषफल है वो या तो 0 होगा या 1 या 2। तो ये क्यों होगा आपका ये प्रश्न हो सकता है, तो क्यों होगा मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा बताता हूं। मान लीजिए कोई नंबर 3 है, उसको हम 3 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0, यानी शेषफल कितना आ गया, 0। अब 4 ले लेते हैं तो शेषफल कितना आएगा, 1। 5 ले लेते हैं शेषफल कितना आएगा, 2। 6 ले लेते हैं तो शेषफल कितना आएगा, फिर वापस 0। ऐसे अगर हम कंटिन्यू चले जाएंगे, चलते रहेंगे तो शेषफल हमेशा 0, 1 और 2 ही आएगा, इसके अलावा कोई भी शेषफल नहीं आएगा। तो तब हमारे जो मैक्सिमम जो नंबर होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, या तो 3q, r की वैल्यू यहां 0 रख दें, या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। तो 3 नंबर हो सकते हैं, तो हम बारी बारी तीनों का वर्ग करके देख लेंगे इनके रूप क्या बनते हैं। तो पहले हम लेते हैं a इज इक्वल टू 3q, तो हम इसका वर्ग कर लें। वर्ग करने पर तो यहां हमने वर्ग कर दिया, 3q का भी वर्ग कर दिया, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। तो ये देखिए हमने कौन सी फॉर्म तैयार करनी है, 3m, तो 3 यहां से कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 3q स्क्वायर, 3 × 3q स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × m। व्हाट इज m, यहां पर जो m है उसकी वैल्यू है 3q स्क्वायर, मतलब m कोई भी पूर्णांक है, नंबर है, उसकी वैल्यू कितनी है, 3q स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, ये 3m बन गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। तो मेरे ख्याल से जब पहला जो हमारा पूर्णांक था वो इस तरह का 3m का फॉर्म हो गया। अब दूसरा ले लेते हैं, अब जो दूसरा पूर्णांक हमारा क्या है, 3q प्लस 1, इसका फिर वर्ग करेंगे उसी तरह, वर्ग करने पर a स्क्वायर 3q प्लस 1 का वर्ग, तो a स्क्वायर यहां फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हम यहां पर फॉर्मूला सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, a स्क्वायर 3q का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 × a, a की जगह 3q है, b की जगह 1 है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, 3 × 6 प्लस 1 पीछे कर लिया, तो हम इनमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो ये देखिए प्लस 1 तो पीछे आ गया, तो बीच वाले जो मल्टीपल है इसको हम m लिख देते हैं, 3m जमा 1, यहां पर m कितना है, 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो यहां पर m की वैल्यू 3q स्क्वायर प्लस
टू क्यू है, यहां पर m की वैल्यू 3 क्यू स्क्वायर है, ये अलग अलग है, इसमें इसकी वैल्यू ये है, इसमें इसकी वैल्यू ये है, तो दो में तो हमने सिद्ध कर दिया इसका रूप या तो 3m होगा या 3m प्लस 1 होगा। तो आइए हम तीसरा इसका पार्ट लेते हैं। तीसरे पार्ट के अंदर क्या है, a की वैल्यू कितनी ले लें, 3q प्लस 2, क्योंकि तीसरा तीन ही नंबर थे, 1, 2, 3, तो इसको हम वर्ग कर दें। वर्ग करने पर ए स्क्वेयर 3q प्लस 2 का होल स्क्वेयर, क्योंकि सभी में वर्ग करना है तो यहीं पर भी यही फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, बात एक ही है। तो 3q का होल स्क्वेयर था तो कितना हो गया, 9q स्क्वेयर प्लस 2 × 6 = 12q प्लस 4। तो हमें ये फॉर्म बन रही है, इसको देखना है, तो यहां देखिए इस फॉर्म को हम बनाने के लिए 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, इस जो 4 के दो टुकड़े कर दिए 3 और 1, तो यहां से 3 कॉमन ले लिया, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 फिर प्लस 1, तो 3 इस सारे को हम क्या लिख दें, m प्लस 1, जहां m बराबर कितना आ गया, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, तो ये फिर फॉर्म बन गई। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम जो नंबर थे हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 3 थे, तीनों का वर्ग करके देख लिया तो हमारी फॉर्म यही बनी, या तो 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1, तो यही फॉर्म बन रही है। तो इसका मतलब क्या है, किसी अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, मैं जल्दी से आपको बता दूं, तो यूक्लिड प्रमेय के अनुसार हमने नंबर ले लिया, यहाँ b की वैल्यू 3 ले ली, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस r, तो आप जो यहाँ पर शेषफल है 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, तो यहाँ 0, 1 और 2 वाले जो तीन हमारे पास मैक्सिमम नंबर आ गए, तीनों का हम बारी बारी से वर्क करके देख लिया, तीनों में रूप कौन सा आया, 3m, 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1, इसका मतलब दो ही रूप हो सकते हैं, या 3m या 3m। आइए एक्सरसाइज का पांचवा सम देखते हैं, बिल्कुल चौथे सम की तरह, इसमें भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, धनात्मक पूर्णांक, यहाँ वर्ग की बजाय घन है, क्यूब, क्यूब करेंगे तो कैसा रूप आएगा, 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। पिछले फोर्थ सम की तरह ही यूक्लिड जो विभाजन प्रमेय का हम लेंगे, उसी तरह से हम यहां पर नेट करेंगे, प्रमेय का द्वारा जो हम पूर्णांक लेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यहां पर भी उसी सम की तरह कितना लेंगे, 3, यहां हम लेट कर लें, यहां पर b बराबर 3, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस r, और r की वैल्यू उसी तरह या तो 0 होगी या 3 से कम होगी, तो ये मैं आपको अभी समझा चुका हूं फोर्थ सम के अंदर। तो जो पूर्णांक होंगे वो कौन कौन से होंगे, a जो पूर्णांक अपने लिया हुआ, या तो होगा 3q प्लस 0, या होगा 3q प्लस 1, या कौन सा होगा 3q प्लस 2, तो मैक्सिमम हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं, तो अब इनका हम बारी बारी घन करके देखते हैं क्या इस तरह का रूप बनता है, तो वो बन जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, पहला नंबर ले लेते हैं a बराबर 3q, तो क्या करें, दोनों तरफ घन लेने पर घन ले लेते हैं, a का घन 3q का घन
एक का घन तो 3 3 9 तृतीय नौतीय 27 9 का मल्टीपल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ए क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू एम गुणा में एम, यहां पर एम कितना है 3 क्यू क्यूब, तो ये हमारा इक्वेशन 1 होगी। ए क्यूब इसके बराबर होगा 9 एम के द्वारा। अब हम दूसरी संख्या ले लेंगे, दूसरी कौन सी है 3 क्यूब प्लस 1, दोनों तरफ घन लेने पर, दोनों तरफ हम घन ले लेंगे, तो घन ले लेंगे ए क्यूब 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। तो वही फार्मूला क्या है हमारा, अगर 9th कक्षा में आप पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी का क्यूब घन किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3a² b प्लस 3ab² इसका यूज यहां पर करेंगे। तो खोल दें इसको, 3 क्यूब का घन 1 का घन 3a² a की जगह पर 3 क्यूब है, b की जगह पर इस फॉर्मूले के अनुसार 1 है, 3a² b प्लस 3ab² तो इसको धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे बिल्कुल आराम से। 3 3 9 27 क्यू का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 × 9 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू, तो देखिए ए क्यूब 27 क्यू का क्यूब प्लस 1 को का पीछे लिख लेते हैं, 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। तो यहां देखिए 3 9 कॉमन आ रहा है, फर्स्ट 3 में 9 कॉमन ले लिया, 3 क्यू क्यूब 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। आप देखिए ये 9 का मल्टीपल बन गया, ए क्यूब को क्या लिख देंगे 9m + 1, तो यहां पर m कितना है 3 क्यूब क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब, तो ये मल्टीपल होगा, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो ऐसे ही हम तीसरी ले लेंगे, तीसरी कौन सी है जो थर्ड, a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2, तो दोनों तरफ घन लेने पर ए क्यूब ए का घन 3 क्यूब प्लस 2 का घन, वही फार्मूला ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसका यूज करते हुए 3a² b 3ab² ए क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 3 × 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 × 3 क्यू प्लस 4। बिल्कुल आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, वैसे धीरे धीरे हम उसी फॉर्म में लेके आएंगे। हमें क्या फॉर्म लेके आनी है, 9m + 8 ये आ गई, ये आ गई, तो 27 क्यू क्यू 8 को पीछे ले जाते हैं प्लस 9 × 18 = 54 क्यू स्क्वायर 4 × 12 = 36 क्यू प्लस 8। यहां से 9 कॉमन नहीं आएगा, लेकिन इन तीनों में 9 कॉमन आ रहा है, 3 क्यू क्यूब 6 क्यू स्क्वायर 4 क्यू प्लस 8 ए क्यूब इज इक्वल टू 9m + 8। तो यहां पर m कितना है, यहां पर m बराबर 3 क्यूब क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, एम की वैल्यू ये होगी इक्वेशन नंबर। अब तीनों में देखें, तीनों को बारी बारी हम इन तीनों का घन करके देख लिया, तो कौन सी फॉर्म बनी 9m, दूसरी को किया तो 9m + 1, तीसरी का घन किया तो 9m + 8। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि
किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इति सिद्धम, इस प्रकार सिद्ध हुआ। तो ये आपका मैंने सिद्ध कर दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। हमें एक यूक्लिड प्रमेय के अनुसार एक पूर्णांक लेने थे, तो वो पूर्णांक में बी की वैल्यू 3 ली है, तो मैक्सिमम नंबर कौन से आ गए 3। इन तीनों का पारिवारिक घन करके देख लिया तो वो 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का आया। बहुत बहुत